लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। क्रिया पढ़ाई हो रही थी ना, पिछली क्लास में हमने क्रिया पढ़ा था। क्रिया में के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में क्रिया के जिस वाक्य में कर्म साथ में हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसके साथ कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। आज हम लोग काल पढ़ेंगे, ठीक है? काल क्रिया में काल पढ़ेंगे। काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है, समय के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के हैं? तो जो हम काम करते हैं, पहले काल जो हम काम करते हैं उसमें जो समय लगता रहता है, जो कब कर रहे हैं, वह काम कर चुके हैं या बीत चुका है, या हम लोग उस समय कर रहे हैं, हो रही है वह काम हो रहा है या होने वाला है, इसका बोध होता है, ठीक है? मतलब समय का, उसके टाइम का बोध होता है। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब उसके समय का पता चलता है कि कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम होने वाला है और कौन सा काम होगा, कौन सा काम हो रहा है और कौन सा काम होगा, ठीक है? काल के प्रकार, काल के कितने प्रकार हैं? तो काल के तीन प्रकार हैं। कौन क्या होगा? काल के कितने प्रकार हैं? भूतकाल, सेकेंड में वर्तमान काल और थर्ड में भविष्य काल।
काल के कितने प्रकार हैं? तो काल के तीन प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने प्रकार है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो होने वाला है। ठीक है, भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से के कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे भावना नृत्य सीख रही थी, वह मैं ताज महल देखने गया था। मैंने खाना खाया क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय, मतलब जो बीत चुका है वो काम हो चुका है उसका बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे भावना नृत्य सीख रही थी, मतलब सीख रही थी अब नहीं सीख रही है। ठीक है, अब नहीं सीख रही, अभी नहीं हो सीख रही है या ना सीखने वाली है, वह सीख रही थी, वह बीत गया। मैं ताजमहल देखने गया था, मैं ताजमहल गया था देखने, वह बीत चुका है। ठीक है, मैंने खाना खाया था, यानी मैंने खाना खाया था, अभी नहीं खाया हूँ ना खाने वाला हूँ, मैं खाया था वह बीत चुका है। ठीक है, वर्तमान काल
या फिर जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, यानी अभी यह काम हो रहा है इसका बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना बना रही हूँ, तुम्हें खिला रही हूँ। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का मतलब इस समय हो रहा है, वो काम चल रहा है, उसका बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मतलब अभी वह खाना बन रहा है, यानी बनाया ने का काम हो रहा है। मैं खाना तुम्हें खिला रही हूँ, मतलब वो काम अभी चल रहा है, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ, मतलब वो अभी हो रहा है वो काम। ठीक है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जो काम उस समय आपके जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी यह पढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ, तो यह वर्तमान काल ही होता है। कल मैं सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया पढ़ाई थी, यानी वह बीत चुका है। ठीक है, और आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगी वह भविष्य काल होगा। ठीक है, क्या भविष्य काल, क्रिया के जिस कार्य के आने वाले समय का बोध है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो काम आने वाला है हुआ नहीं है, या वो काम हो चुका है, वो नहीं कि वो अब आगे जो काम आने वाला है होने वाला है उसका बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे हिंदी
बांधेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का जो काम आने वाला है, होने वाला है, उसका बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे में कल हमारी परीक्षा होगी, यानी अभी हुई नहीं है, हो नहीं चुका है, होने वाला है, ठीक है। तो कल हमारी परीक्षा होगी यानी आने वाला है परीक्षा, तो यह भविष्य काल है। कल हम हिंदी पढ़ेंगे, मतलब आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो यह भविष्य काल हुआ। कल घूमने जाएंगे, आज नहीं जाएंगे या गए नहीं है, कल अब जाने वाले हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। आपका ये हो चुका है काल। तो काल क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। जो काम बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। जो हो रहा है वह भविष्य भूतकाल, और जो होने वाला है उसे हम वह क्या है, भविष्य काल है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम होने वाला है 2 जुलाई से, और चैप्टर 4-5 चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। व्याकरण जो भी है, जो भी पढ़ाई हुई है वो कर लीजिएगा, क्योंकि, और हाँ, ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर आएगा चैप्टर के बीच में से भी, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। शब्दार्थ याद कर लीजिएगा 1-5 का, हो सकता है 50 मार्क्स का आपका, 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, जिसमें 10 होगा ऑब्जेक्टिव, यानी टिक द करेक्ट आंसर, 10 में फिल इन द ब्लैंक्स, 10 में मैच द फॉलोइंग, 3 हो गया, और 20 में आपका वन वर्ड या वन सेंटेंस में 10 मार्क्स होगा, और 10 मार्क्स का 2-3 लाइन में, 2 या 3 लाइन में होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना रिवाइज कर लीजिएगा, स्कूल तो आते नहीं है कि हम लोग करवाएंगे, ठीक है, आप लोग खुद ही कीजिएगा। और आप जिस्ता वाला कागज होता है, पेपर होता है, वो उसमें एग्जामिनेशन होगी, वो आप लोग अपने घर में ही अपने पेरेंट्स को बोलिएगा ला देने, या नोटबुक आपका बड़ा वाला नोटबुक, छोटा नोटबुक में नहीं, बड़े वाले नोटबुक में कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन आंसर आप एक पेज में ही देने का, ठीक है। अब अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही है।